कांग्रेस दल की तरफ से हम लोग विरोध प्रदर्शन किए और हाउस स्टॉल हुआ। देखिए, जब ये डबल इंजन की सरकार इलेक्शन मैनिफेस्टो बोलिए कि उनका जो स्लोगन था उड़ीसा को शराब मुक्त करेंगे, और आते साथ ही विधानसभा होने से पहले ही उन्होंने ऑक्शन किया था नए नए शराब दुकान के लिए, ठेके के लिए, उसका हम लोग पहले विरोध कर रहे थे। और अभी देखिए, शराब पी के स्पूरियस, शराब पी के 2 डेथ हो चुका है और 5-6 आदमी ICU में भी हैं, और ऐसे घटना बहुत सारे घट रहे हैं। तो सरकार अपनी जिम्मेदारी ले और हम लोग का जो आबकारी मंत्री वो इस्तीफा दे, हम लोग का ये दाबी है। क्योंकि ये जब बोल के आए थे, करनी कथनी टोटल अलग अलग हो रहा है, कुछ चीज़ बोलते हैं कुछ चीज़ करते हैं। अभी शराब के लिए इतने बड़े बड़े बातें किए थे, माताओं बहनों के लिए कितने बातें किए थे, लेकिन सारे चीज़ फेल हो रहे हैं, उसी का विरोध था और आज हाउस स्टॉल हुआ है। देखिए, एक गुंडागर्दी पार्टी है ये, 24 साल कैसे शासन किया उसका जीता जागता सब नमूना सब मीडिया का पास है। ये सरकार में 100 करोड़ 150 करोड़ से रेवेन्यू टैक्स, आबकारी टैक्स, एक्साइज टैक्स आके 5000 करोड़ पहुंच गया। ये जो अर्जेंट मोशन लाया है, इसका डिस्कशन के लिए स्पीकर एग्री है, और ये डिस्कशन के बाद जिसका फॉल्ट निकलेगा, जिसका जो जिम्मेदार ठहरा जाएगा, उसका ऑपरेक्शन होगा। ये डिस्कशन के लिए एग्री नहीं है।